देखिए, एक तासुर मिलता है ना जमात इस्लामी से, एक तो नाम जमात इस्लामी, तो बहुत सारे जो लेफ्टीज हैं उनको कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे कि भाई सपोज करें अगर आप लोग आए थे, ऐसा तो नहीं मुझे भी टखनों से ऊपर शलवार पहन गया कंटेंट बना रहे टखनों से ऊपर शलवार पहन के, ऐसा तो नहीं होगा वरना पीछे से डंडे आएंगे। नहीं, जमात इस्लामी ना, देखें जमात इस्लामी इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है, किसी फिरके मसलक या दीन के किसी छोटे से जुज को नहीं करती। ये एक अच्छा पॉइंट है। इस्लाम को रिप्रेजेंट करने का मतलब है अदल और इंसाफ, ठीक है। इस्लाम को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि तदरीज के साथ मुआशरे की इस्लाह करना। इस्लामी हुकूमत आने का मतलब ये नहीं होता अगर हुकूमत पूरी की पूरी भी आ जाए कि बस जनाब अब मार धाड़ शुरू हो जाएगी, कत्ल गारत गरी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इस्लामी हुकूमत सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होती है, फिर जाकर वो चीज़ों को नाफिज करती है, हुदूद को। ये नहीं होता कि वो पहले वो न लोगों को खाना दे, ना रोटी दे, ना जो है वो लोगों को रिलीफ दे और कहे कि जनाब चोरों के हाथ कटेंगे, तो ये तो ज़ाहिर उल्टा काम हो जाएगा। पहले उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे और उसके साथ साथ फिर जो है वो माहौल दे जिसमें लोगों के लिए चोरियां करना मुश्किल हो जाए, जिस पे जो है वो आसानी जो हलाल है वो आसान हो जाए, हराम मुश्किल हो जाए, फिर उसके बाद उसकी सजाओं का निफाज होता है। फिर भी अगर कोई नहीं मानेगा तो सजा दो ताकि उसके नतीजे में दूसरों को नसीहत हो। यहाँ लोग ये समझते हैं कि सजाओं से काम शुरू होता है, तो ये एक गलत फहमी है जो पैदा कर दी गई है। जमात इस्लामी उस इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है जो इस्लाम है। फिरकेबाजी पर हम यकीन नहीं रखते और हम इस बात पे यकीन नहीं रखते कि किसी को किसी मुसलमान को काफिर करार दें। या हम दीन में देखें तरजीहात होती हैं, अब टखनों से ऊपर शलवार का होना या टोपी का होना और दाढ़ी की पैमाइश होना ये सब अलामत हैं, लेकिन इस्लाम की जो बुनियादें हैं ना, जो उसूल हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं और इसमें तो इख्तलाफ भी होता है, कितना ऊँचा होना चाहिए, कितना नीचा होना चाहिए, दाढ़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए। तो इस इख्तलाफ का तो फ़ायदा उठाकर, ये इख्तलाफ को जो है वो रहमत बनाकर लोग जो है वो दीन की इन छोटी छोटी बातों पे तो हर तरह से अमल करते हैं, बजाय इसके कि इसको आप कमजोरी बना लें और इसी पे पूरा इस्लाम ले आएं। तो जमात इस्लामी उस इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करती। और जहाँ तक लेफ्टियों लेफ्ट जिसको आप कह रहे हैं ना, वो लेफ्ट लेफ्ट कुछ भी नहीं है इस वक्त। असल में खामा खा की इस्तलाहें, लेफ्ट एक ज़माने में कम्युनिस्टों को कहा जाता था या सोशलिस्ट अनासर को कहा जाता था, वो ख़त्म हो गया, कहानी मुक गई है वो। अब तो यहाँ पर लेफ्ट राइट की नहीं, मैं तो बार बार कहता हूँ यहाँ तो राइट और रॉन्ग की जंग है, कौन सही है और कौन गलत है। तो जमात इस्लामी से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस्लाम के उसूलों के मुताबिक काम करना चाहते हैं जिसमें अदल है, इंसाफ है, तमाम शहरियों को एक जैसा समझना है। और अगर जमात इस्लामी को जहाँ भी आज तक किसी भी जगह पर कोई इख्तियार मिला है, इख्तदार मिला है, तो हमने कभी भी लोगों के अंदर तकसीम नहीं पैदा की और सबको रिलीफ पहुंचाया है। ऐसा तो नहीं है कि पता चला कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है फिर पीछे से पहुंच गए बंद कराओ कॉन्सर्ट, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो अब आप मुझे बताएं, बट आप मुझे बताएं कि आप वोट दे रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए और मेयर बना रहे हैं, इतने खड्डे पहले ही मौजूद हैं, तो अब भाई मैं खड्डे देखूंगा कि मैं देखूंगा कि कहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है उसके पीछे लोग।